हाथरस पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ की गिरफ्तार। थाना हाथरस गेट पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन साथी लुटेरों को दिया गिरफ्तारी। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से लूट का माल, सोने चांदी के आभूषण और 10,000 रुपए नकद किए बरामद। तीनों लुटेरों के पास से एक बाइक और 4 जिंदा कारतूस से भी बरामद। पुलिस अधीक्षक हाथरस से सराफा व्यापारी से 24 से 21 को हुई लूट की घटना किया खुलासा। देखिए, जनपद हाथरस के थाना हाथरस गेट पुलिस एवं मैसूजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के उपरांत तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इन लुटेरों द्वारा दिनांक 24 जून को थाना हाथरस गेट क्षेत्र में शाम को घर लौटते वक्त एक सुनार के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इन अभियुक्तों के कब्जे से लूटे हुए सोने के आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये कैश जो इन्होंने सुनार से लूटे थे वो भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित का मोबाइल फ़ोन लूटा गया था वो भी इन अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुआ है। और एक सीडी मोटरसाइकिल जो घटना में इनके द्वारा प्रयोग की गई थी वो मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त इन अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा तमंचा खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।